उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। मंगलवार देर शाम करीब 7 बजे कोटद्वार लिखणीखाल बेरोखाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नयार नदी की घाटी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस बस में 45 से अधिक बाराती सवार थे। स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अंधेरा अधिक होने के कारण रेस्क्यू अभियान चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस काफी नीचे गई है, जबकि पूरी पहाड़ी में लोग छिटक कर गिर गए हैं। रात करीब 9:30 बजे तक करीब 8 घायलों को बीरोखाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पौड़ी जिले में बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सीएम धामी ने डीएम पौड़ी से फोन पर बात कर उन्हें पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने और जिले के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर विधायक लैंसडाउन से भी बात की है।